मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर यूपीएससी पी जिसका एग्जाम आपका सेकेंड ऑफ जुलाई को कंडक्ट होने वाला है सो टुडे इज अ डे फोर एंड वी आर हियर कंडक्टिंग क्वेश्चन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ दिस इज अ टू हंड्रेड एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज सो लेट इज बिगिन विदेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सो द क्वेश्चन हियर इज शी बॉक्स इट इज लिटरली शी एस एच ई शी बॉक्स एंड ऑनलाइन कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंगल्स शी बॉक्स एक ऑनलाइन कम्पलेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है किस कॉल्स के लिए इसको बनाया गया है तो आप क्लियर बता सकते हो नाम पढ़ के ही शी किस से रिलेटेड हो सकता है ये जैसे एक चला था ना थोड़ा हिंट दे देते हैं राइट मैटर्निटी रिलीफ इक्वल रिमरेशन सेक्शुअल हरासमेंट या डोमेस्टिक वॉलेंस अगेंस्ट डाउरी चार ऑप्शन आपके सामने हैं शी बॉक्स कैन बी रिलेटेड टू तो विच ऑफ दीज अगर आप पढ़े हैं तो तुरंत बता सकते हैं नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा आइडिया तो मिल गया होगा सो इट इज रिलेटेड टू या राइट यार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोविजन रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड किस चीज से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस लेबर कोड के अंदर इसको डाला गया है हमें पता है कि जो नए लेबर कोड है 2020 के चार टोटल है इसमें 44 जो सेंट्रल लॉस थे सेंट्रल लेबर लॉस थे उसको मर्ज कर दिया गया है चार में तो डिफरेंट डिफरेंट किसी में थर्टीन चारों में से किसी में थर्टीन रखा गया है किसी में तीन को रखा गया है तो इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसको किसके अंडर रखा गया है so it is under industrial relation code of 2020 industrial relation code ke industrial dispute the industrial relation code 2020 is investigation and settlement of industrial dispute tha. for registration of trade union what is the minimum number of workmen engaged or employed in an establishment or industry to be the member of trade union on the date of making of application for registration क्वेश्चन क्या कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर अगर एक ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्क कितने होने चाहिए वर्कमैन एंगेज इन द दस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री टू टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन चार ऑप्शन दिए हुए टेन परसेंट और हंड्रेड विच एवर इज लेस सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ सेवन टेन परसेंट और हंड्रेड विच एवर इज लेस टू बी दब्जेक्ट ऑफ मिनिमम ऑफ टेन लेस

So answer A is the right one. 10%. Yeah, or 100. Whichever is less, subject to minimum of 7 members. So option A is the right answer here. Next question, question number 79. Under the Industrial Relation Code 2020, concerted casual leave on a given day by 50% or more workers employed in an industry amounts to. Industrial Relation Code 2020 can the तो कैजुअल लीव होती किसी भी दिन पे कैजुअल लीव जब 50 परसेंट से ज्यादा 50 परसेंट से ज्यादा वर्कर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इंडस्ट्री में बट दे आर ऑन कैजुअल लीव ठीक है और एम्प्लॉयड भी है इसको क्या बोलते हैं ले ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्राइक या फिर लॉकआउट तो ले ऑफ में हमको पता है क्या होता है कि जब वर्क ना हो वर्क ना हो रिसोर्सेज ना हो एम्प्लॉयर के पास तो वो फिफ्टी वर्कर्स को

अपने राइट्स के लिए आप ट्रेड यूनियन ज्वाइन करोगे तो कौन सी एज है आपकी इसमें इट इज़ गोइंग टू बी या मिनिमम क्या है आपका ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के लिए इट इज फोर्टीन ईयर्स बिकॉज फोर्टीन ईयर्स इज एज टू वर्क ऑल्सो द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर एम्प्लॉज द वेलफेयर ऑफ मैन हिज फैमिली एंड हिज कम्युनिटी

सोशल वेलफेयर क्या होता है मैन का वेलफेयर हो उसकी फैमिली का वेलफेयर हो और उसकी कम्युनिटी का भी हो ठीक है और ये तीनों काम करते हैं या फिर साथ में या फिर एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए तो हाँ दोनों सही है और आर जो है हमारा एक को सपोर्ट कर रहा है सो आंसर बी इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर डीपीएसपी किस आर्टिकल से शुरू है इट इज डीपीएसपी

चारों में से किस में से लेबर वेलफेयर की बात नहीं की गई तो आपको चारों पता होना चाहिए आर्टिकल थर्टी एट में क्या कहा गया है कि स्टेट शैल सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर वगैरह है प्रोमोशन क्या है स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द दिटीजन आर्टिकल फोर्टी में पंचायत की बात कही गई है फोर्टी वन क्या है कई सेम चीज़ है कि वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करना तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें विलेज पंचायत की बात कही गई है तो आर्टिकल फोर्टी तो होने नहीं वाला वेलफेयर से रिलेटेड सो इट वेल्� इज

वैसे ही हमारी फर्स्ट वाला कब आया था 1966 में रिपोर्ट कब सबमिट की तीन साल बाद मेंिक्सटी नाइन में तो ये जो है जुडिशरी सिस्टम तीन तीन लोग हैं कि चार लोग हैं क्या क्या है इस इसके इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं लेबर कोड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन अगला है लेबर कोड लोक अदालत लेबर रिलेशन एंड कमीशन अगला है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स लोक अदालत इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन लास्ट है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स नेशनल ट्रिब्यूनल लेबर रिलेशन कमीशन तो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री इसके अंदर कौन कौन थे आपकी लेबर कोर्ट था ठीक है लोक अदालत था ये भी तो और लेबर रिलेशन कमीशन था तो ये किसमें दिया हुआ है तीनों इट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर ठीक है इंटीग्रेटेड जुडिश में लेबर मैटर के लिए लेबर कोर्ट है लोक अदालत है और लेबर रिलेशन कमीशन है

क्लियर हो जाएगा कि इसने जो ट्रेनिंग ली है उसमें प्रोफिशियंट हो गया है तो वो टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया काउंसिल नेशनल काउंसिल सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल या फिर डायरेक्ट्रेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुझे लगता है कि ऑप्शन आप, आप सी के साथ जाओगे क्योंकि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप काउंसिल लिखा हुआ है बट चलो मैं बता देती हूँ सी आंसर नहीं है इसके अलावा बताओ ए बी एंड डी में से कौन सा आंसर हो सकता है आंसर हेयर इज द नेशनल काउंसिल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेशनल काउंसिल कराएगा टेस्ट जिससे प्रूव हो जाएगा कि आपने जो ट्रेनिंग ली है आप उसमें महारत हासिल कर चुके हो वॉट इज वाइल्ड कैट स्ट्राइक जब मैंने आपको छ तरह की स्ट्राइक बताई थी ना तो उसमें वाइल्ड कैट स्ट्राइक बताया था क्या होता है ये स्ट्राइक कोल्ड बाई नॉन यूनियनाइज वर्कर्स इवन इफ नोटिस इज गिवेन टू द एम्प्लॉयर स्ट्राइक कोल्ड बाई यूनियन विदाउट गिविंग एनी नोटिस टू द एम्प्लॉयर विदाउट विदोर्टिंग टू स्ट्राइक बैलेट ग्रुप ऑफ वर्कर्स एट द मोमेंट विदाउट एनी फॉर्मल नोटिस यूनियन वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है ऐसी स्ट्राइक जब जो मेंबर्स होते हैं यूनियन के वो बिना यूनियन को कोई इंफॉर्मेशन दिए स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं उसको कहते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी क्या है

रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर किसके अंदर आता है वेलफेयर एम्प्लाइज वेलफेयर ऑफ मैन हिज फैमिली एंड कम्युनिटी ये किसके अंदर आता है देखो तो मैन है उसकी फैमिली है तो तो ये उसका ही वेलफेयर है लेकिन कम्युनिटी को भी लिया जा रहा है तो क्लियर हो रहा है कि ये क्या है सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर है सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स ठीक है

ठीक है? अभी तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन आई आर और लेबर लॉ पे चल रहा है इसके बाद लाऊंगी जिसमें पूरा पूरा मैं मॉक टेस्ट कराऊंगी वन ट्वेंटी क्वेश्चन का ठीक है फॉर विच इंडस्ट्री नॉन स्टैचु सेटअप किया गया, A, तो से गया था इट वॉज फॉर ए विच इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की Which आर the following statement relating to second national commission on labor are true second national commission mein a statement national commission envisaged a system of labor court lok adalat and labor relation commission as integrated adjudicatory system in the labor matter the commission recommended that essential service maintenance act should be withdrawn hai, the commission was in favor of setting up wage board for fixing वेज रेट फॉर वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री फिक्सिंग ऑफ वेज रेट ठीक है नॉट ट्रू पूछा है देखना ठीक है ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर करिए और इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है फिर फिक्सिंग वेज जैसी तो कोई बात की नहीं गई थी इसमें सो so आपका ऑप्शन सी ही जो है वो गलत है बाकी सब सही है ठीक है वन और टू सही दिया हुआ है द दाइक दैट आर इंटेंडेड टू पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू डू समथिंग और सम फ्राम डूइंग समराइज एज ऐसी स्ट्राइक जो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल दे किस पे गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल दे ठीक है अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रही है कि कुछ करो या कुछ भी ना करो उस तरह की स्ट्राइक्स को क्या बोलते हैं चलो क्या कह दिया हुआ है जूरिस्टिशनल स्ट्राइक पॉलिटिकल स्ट्राइक स्लो डाउन स्ट्राइक एंड क्यूक क्विक स्ट्राइक ठीक है तो ऐसी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल दे कि आप कुछ करो या फिर कुछ ना करो इसको क्या बोलते हैं आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में इट इज पॉलिटिकल स्ट्राइक ऑप्शन बी इज द हियर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा फीचर नहीं है ब्यूरोक्रेसी का इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट डिजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन स्पेशन नेक्स्ट ऑर्गेटल रिटेबल रिलेशन डिसीजन रिकॉर्डेड तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट द फीचर है ध्यान से पढ़िए चारों स्टेटमेंट को एंड ट्राई टू आंसर इनमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है अकॉर्डिंग टू वेबर अगर आप ना भी ध्यान दो ना तो आपको दिख रहा होगा इसमें से कौन सा फीचर नहीं हो सकता है ब्यूरोक्रेसी का आफ्टर ऑल ऑल आर टू बी ब्यूरोक्रेट वन डे फीचर तो पता ही होना चाहिए राइट चलिए बताइए क्या रिकॉर्ड होते हैं फॉर्मली जी हाँ हर एक डिसीजन फॉर्मली रिकॉर्ड होते हैं ये क्लास जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऐसा है जो मेंटेन करता है एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन हाँ जितनी आपकी स्पेशलाइजेशन है अगर आपने बीटेक किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग या एमबीबीएस किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है लेकिन यहाँ पे अनस्टेबल रिलेशन ऐसी कोई चीज नहीं होती है विच मीन आंसर थ्री ऑप्शन थ्री आपका गलत है तो आपका पहला सही है दूसरा सही है और चौथा सही है तो आपको क्या पता करना था नॉट द फीचर ये ध्यान दीजिए नॉट द फीचर सो आंसर थ्री इज द रॉन्ग विच इज सी इज द राइट आंसर हियर ठीक है नेक्स्ट इन इंडिया

इसके ऊपर भी मैंने एक पूरा लेक्चर लिया जिसमें कि एल पी जी तीन वर्ड दिख रहे ना वहाँ पे मैंने आपको टोटल सेवन पॉइंट्स बताए हैं जो उस दिन के बजट स्पीच में कहा गया था ठीक है तो ऐसी कौन सी बॉडी बनी थी जो सोशल और लेबर इश्यूज को स्पेसिफाई कर दे ठीक है इट वॉज स्पेशल ट्राई कमेटी क्या नाम है स्पेशल ट्राई कमेटी एस टी इसके अंडर क्या क्या होता था जैसे कि कोई रिक्रूटमेंट डिस्प्यूट है

गो स्लो एंड वर्क टू रूल टू बी रिगार्डेड एज मिसक स्ट्राइक बैलेट फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऑल थ्री मेथड ऑफ यूनियन रिकोगशन लेमी में बारगेनिंग एजेंट इन चारों में से कौन सा नहीं था रिकमेंडेशन नेबर का मैंने एक लेक्चर में आपका आई एल ओ और नेशनल कमीशन ऑन लेबर दोनों को कवर अप किया है मैं प्ले लिस्ट में उस वीडियो को डाल दूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो तो क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू इसमें ना ये थ्री मेथड्स ऑफ यूनियन रिकोगनेशन को बार्गेनिंग एजेंट को चूज करने के लिए तीन मेथड नहीं थे बैलेट सिस्टम चेक ऑफ या मेंबरशिप वेरिफिकेशन ठीक है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है अगर आपको सीक्रेट बैलेट के बारे में पता होता तो आप बता सकते थे इस आंसर को ईजी सीक्रेट बैलेट क्या होता है ठीक है सीक्रेट बैलेट आप फिर स्ट्राइक बैलेट के बारे में जानते हैं स्ट्राइक बैलेट कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्राइक है, में मत जाओ आपस में वर्कर्स ही अभी डिसाइड नहीं, नहीं है कि स्ट्राइक पे जाना है कि नहीं जाना है तो वो लोग स्ट्राइक बैलेट थ्रू वोटिंग कराएंगे उस वोटिंग में डिसाइड हो जाएगा कि आपको स्ट्राइक पे जाना है कि नहीं जाना है. जो पार्टी जीतेगी उसका डिसीजन फॉलो अप होगा जैसे मान लो कि

ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट एफेक्टिव कमिटमेंट या जॉब सेफेक्शन एम्प्लॉय का बिलीव ठीक है जिससे उनका वर्क उनकी कॉम्पिटेंस इफेक्ट हो ठीक है द मीनिंग ऑफ द जॉब ऑटोनॉमी इन द वर्क इंडिकेट्स इट इंडिकेट्स साइकोलॉजिकल इम्पावरमेंट ठीक है बेसिकली इनके साइकोलॉजी के साथ ही यहाँ पे छेड़छाड़ हो रही है देखो खाली वो बिलीव कर रहे हैं ना ठीक है उनकी बिलीव है कि उनकी जो किस लेवल तक उनका वर्क इम्पॉर् इफेक्ट हो रहा है उनकी कॉम्पिटेंस अच्छी है उनके बिलीव के ऊपर सब डिपेंड कर रहा है सो इट इज साइकोलॉजिकल एम्पावर ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव आउट प्लेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वॉट इज आउट प्लेसमेंट रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर जॉब ट्रांसफरिंग द एम्प्लॉयज आउट ऑफ कंट्री हेल्पिंग रिडेंटेड इंप्लॉयज टू फाइंड अ न्यू जॉब sending the employee on deputation to other organization question number 95 तो ये क्या है आउटप्लेसमेंट आउटप्लेसमेंट क्या होता है बताओ तो ऐसे employees जो ले ऑफ कर दिए जाते हैं उनको नई job ढूंढने के लिए company की तरफ से ठीक है हेल्प मिलता है हेल्प किया जाता है उसको बोलते हैं आउटप्लेसमेंट व्हिच इज हेल्पिंग

If no prenatal confinement and postnatal care is provided for by employer free of charge. Second one is only central government can increase the amount of medical bonus. Third is the women are retired to receive sorry, dry name, women are entitled to receive a medical bonus of 2500 at present. एवरी वेमेन इज एंटा टू मेटर्निटी बेनिफिट अंडर दिस कोट विल ऑल्सो भी एंटाइटल मेडिकल बोनस ऐसे वीमे जिसको मेटर्निटी बेनिफिट मिल रहा है उसको मेडिकल बोनस भी मिलेगा ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस जी हाँ सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका मेडिकल बोनस इंक्रीज करती है इसमें क्या पता करना है विचर द फॉलोइंगज ट्रू अबाउट द मेडिकल बोनस तो सेकेंड तो सही है आपका सेकेंड इज राइट तो आपका वन सी ऑप्शन तो कट गया ठीक है अब देख लो ऐसे वीमेन्स जिसको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है उसको मेडिकल बोनस भी मिलेगा ऐसा नहीं है कि मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है तो मेडिकल बोनस नहीं मिलेगा तो आपका फोर्थ भी सही है ठीक है और एक चीज यहाँ तो जो मेडिकल बोनस होता है ना वो सेंटर डिसाइड करती है और प्रेजेंट के टाइम पे पता है कितना रुपीज है इट इज नॉट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड इट इज मेयरली वन थाउजेंड रुपीज ठीक है तो आपका ऑप्शन थ्री जो है वो गलत है थ्री गलत है तो ऑल ऑफ अबव तो होगा ही नहीं ठीक The answer here is A. Wala medical bonus is provided if no prenatal confinement and postnatal care is provided by the employer free of charge. Question number 97. Which perspective on industrial relation is based on the notion that production system is privately owned and is motivated by profit? As a cons perspective, we have covered theories of industrial relation. तो ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव ऐसी कौन सी थ्योरी में कहा जाता है कि जो एम्प्लॉयर है या जो प्रोडक्शन सिस्टम है जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्राइवेटली ओन्ड है अगर वो मोटिवेटेड होता है किससे प्रॉफिट से ठीक है प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है ये यूनिटरी पर्सपेक्टिव है प्लोरलिस्ट पर्सपेक्टिव है रेडिकल पर्सपेक्टिव है या ट्रस्टीशिप पर्सपेक्टिव है यूनिटरी पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है और जो इम्प्लॉय है दोनों सेम पेज पे होते हैं एम्प्लॉयर इंप्लॉयी के बेनिफिट के लिए काम करता है इंप्लॉय एम्प्लॉयर के प्रॉफिट इंक्रीमेंट के लिए काम करता है ठीक है दोनों साथ साथ मिलजुल के खुश रहते हैं प्लूरल रूरलिस्ट परस्पेक्टिव क्या होता है जो एम्प्लॉयर है और जो इम्प्लॉयी है वो कभी सेम पेज पे हो ही नहीं सकते ठीक है इन लोग के बीच में एक सी जैसी एग्रीमेंट रहती है ठीक है एम्प्लॉयर को अपना प्रॉफिट कमाना है एम्प्लॉय को अपना बेनिफिट देखना है दोनों सेम पेज पे हो नहीं सकते ठीक है, बट अगर दोनों से मिलजुल के काम करें तो प्रॉफिट हो सकता है ट्रस्टीशिप ये तो गांधी जी ने दिया था गार्जियन वाला है गांधी जी की थ्योरी है ये ट्रस्टीशिप थ्योरी ठीक है हमारा जो रेडिकल है ना वही ये कहता है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्राइवेटली ओन्ड है और प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है ठीक है सो इट इज रेडिकल पर्सपेक्टिव ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट

क्या बनाना है ट्रेड यूनियन बनाना है ठीक है तो उसमें कितने वर्कमैन होने चाहिए कितने का एप्लीकेशन वहां पे होगा ठीक है तो हमने ये देखा था कि कितना होना चाहिए या फिर ठीक है या फिर हंड्रेड इन दोनों में से जो कम और मिनिमम ऑफ सेवन वर्कर्स ठीक मिनिमम ऑफ सेवन वर्कर्स होने चाहिए और टोटल का टेन परसेंट या फिर हंड्रेड दोनों में से जो कम हो तो दोनों में से जो कम हो कितने वर्कर्स यहां दिए हुए ट्वेल्व हंड्रेड

ये याद है कि टेन परसेंट है तो वन ट्वेंटी लगा दोगे लेकिन आप यहाँ पे गलती कर जाओगे देखो टेन परसेंट या हंड्रेड दोनों में से जो कम हो तो, या इस केस में ना हंड्रेड कम है सो हंड्रेड हंड्रेड वर्कमैन ठीक है अगर मान लो आपकी कंपनी में अस्सी इंप्लॉइज है तब कितने होने चाहिए मैं ऑप्शन देती हूँ आठ दस सात अस्सी नहीं हंड्रेड मान लेते हैं इसको ठीक है तो एट्टी हंड्रेड सेवन हंड्रेड कितने एम्प्लॉय होने चाहिए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ठीक है तो बताइए या तो फिर टेन परसेंट या फिर हंड्रेड दोनों में से जो कम हो इसका टेन परसेंट कितना होगा अस्सी या फिर हंड्रेड तो हंड्रेड कम है कि एट्टी कम है सो इज लेस तो इस केस में कितने चाहिए 80. इस केस में कितने चाहिए हंड्रेड समझ में आ गया, गया ये कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट Under the provision, the Code on Wages 2019 for payment of bonus, the amount of allocable surplus for banking company shall be equal to allocable surplus for banking company. Okay? For payment of bonus, कितना hoga Sixty percent of available surplus, seventy-five percent of available surplus, eighty and one-third percent of available surplus, fifty percent of available surplus. Okay? अगर ये क्वेश्चन आता है तो करना इसमें मारने, मत मारने की कोशिश करना क्योंकि इसका आंसर आउट ऑफ प्रोडक्शन है फिफ्टी परसेंट नहीं है अगर कोई तुक्का मारेगा तो क्या मारेगा सोच गया तो फिफ्टी परसेंट मारेगा एट्टी एंड वन थर्ड क्यों लिखा है ठीक है तो ये तो फिर लग रहा है कि इतना पेचीदा लिखा है तो हो सकता है यही हो नहीं भाई ये भी सही नहीं है सेवेंटी फाइव भी सही नहीं है इट इज सिक्सटी परसेंट ऑफ द अवेलेबल सर ठीक है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सेंचुरी मान ली हम लोगों ने अंडर द प्रोविजन द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एज इज इन कंडीशन ऑफ सर्विस एज एज ऑफ अटेनॉय शैल ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक एज लिखी होती है फिफ्टी नाइन सिक्सटी टू सिक्स कोई भी एज लिखी होती है उस एज पर आने पे जो कंडीशन ऑफ सर्विस एज एज और एम्प्लॉय खुद ब खुद वैकेट कर देगा उस एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को ना ही उसको निकाला जा रहा है ना ही ले ऑफ किया जा रहा है ना ही कंपनी बंद हो रही है वो खुद ब खुद उस प्लेस को वैकेट कर दे रहा है इसको क्या कहते हैं रिटायरमेंट टर्मिनेशन सुपर एनिमेशन या फिर रिट्रेंचमेंट तो हमें पता है टर्मिनेशन तो नहीं है निकाल तो नहीं रहे हैं राइट और रिट्रेंच भी नहीं कर रहे हैं ठीक अब बताओ रिटायरमेंट है कि सुपर एनुएशन है अब आपको कुछ कुछ ये रिटायरमेंट की तरह लग रहा होगा बट इसका आंसर होने वाला है सुपर क्या आंसर है सुपर रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है जैसे आपने सुना था एशले पार्टी टूक रिटायरमेंट फ्रॉम हर स्पोर्ट फॉर एवर ठीक है बहुत यंग एज पे एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थी एशले पार्टी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया मतलब अब वो अपना ट्रेड कभी परफॉर्म करेंगी ही नहीं मतलब उन्होंने संन्यास ले लिया समझ लो उस चीज से उसको बोलते हैं रिटायरमेंट और सुपर एन्यशन मतलब क्या होता है रिटायरमेंट तो मिल रही है प्लस आपको जॉब बेनिफिट मिल रहा है मतलब आप जो काम करते थे ना उसके थ्रू जो बेनिफिट थे जैसे कि पेंशन इस केस में आपको पेंशन भी मिल रही है ऑलरेडी जो आपने वर्क किया है उसके लिए ठीक है वो होता है आपका सुपर एन्युएशन ठीक है रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफर्ड बाई द एम्प्लॉयर इसको बोल सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट ठीक है बेनिफिट कौन देता है एम्प्लॉयर देगा ठीक है इट इज़ योर सुपर एन्यशन ठीक है ये था आपका क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इतना रहने देते हैं आज मिलते हैं अगले लेक्चर में ठीक है सो टिल देन स्टे स्टेट टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो इफ यू लविंग माई वीडियोज लाइक इट एंड कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ पूछना है यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे भी आप कन्वे कर सकते हो योर मैसेजेस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन jane